विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला अधिकारी हिमांशु खुराना और नगर पालिका अध्यक्ष ने डिजिटल प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला अधिकारी ने कहा कि यात्रा का मकसद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा के सफल संचालन को लेकर की जिले से लेकर ब्लॉक, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनपद चमोली में विकसित भारत यात्रा 23 नवंबर से शुरू की गई, जो कि आगामी 26 जनवरी तक लगातार संचालित की जाएगी। डिजिटल रथ जनपद के सभी 610 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे। जनपद की सभी 39 न्याय पंचायतों में स्वस्थ और बहुउद्देश्यीय शिविर लगाए जाएंगे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये पूरे भारतवर्ष में और चमोली जनपद में भी प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो भी हमारी विभागीय सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभार्थियों को लाभ मिलता है, उसमें 100% सैचुरेशन अप्रोच के साथ हम कोई भी लाभार्थी ना छूटे, इस उद्देश्य से ये जो हमारी वैन्स हैं ये गाँव-गाँव जाएंगी। और जो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, तो जो भी लाभार्थी इसमें अभी कवर नहीं हुए हैं तो उनको 100% उनको सैचुरेशन करने का इसका उद्देश्य है। जो आज हमारे माननीय मोदी जी की जो जो विज़न है उसको हम गांव-गांव तक पहुंचाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्राम स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक, नगर पालिका, नगर पंचायतों तक हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं विजय संकल्प यात्रा के तहत, उन लोगों तक पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी विजय संकल्प यात्रा के तहत की जा रही है। ये सभी को जितने भी हमारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार इसमें।